धनोरा रोड पर राधा स्वामी सत्संग मंडल के पास मुर्गी फार्म संचालित हो रहा है। इस मुर्गी फार्म के मालिक की मनमानी के चलते श्रद्धालुओं की भावनाएं आहत हो रही हैं। मुर्गी फार्म मालिक द्वारा मुर्गे व अंडे के अवशेष बाहर व सत्संग के आसपास फेंक दिए जाते हैं, जिससे पूजा करने वाले श्रद्धालुओं को दिक्कत होती है, जिसके विरोध में शिव सैनिक व सत्संग के श्रद्धालुओं ने धरना दिया। यह धरना प्रदर्शन लगातार दूसरे दिन भी जारी रहा। श्रद्धालुओं की मांग है कि जब तक यहाँ से मुर्गी फार्म हाउस हटाया नहीं जाएगा, तब तक सभी लोग धरना करते रहेंगे। हम धरने पे इसलिए बैठे हैं, यहाँ पर कोई 20 साल से राधा स्वामी सत्संग व्यास का आश्रम बना हुआ है और यहाँ पर एक हफ्ते में दो बार सत्संगी अपनी पूजा करते हैं, सत्संग करते हैं। क्षेत्र के हजारों लोग आते हैं और वहाँ पर सत्संग सुनते हैं। इसकी करवट में एक चांदपुर के व्यापारी हैं, उन्होंने पहले मुर्गी फार्म बनाया, अब अंडा फार्म बना लिया, तो इसमें बदबू आती है। मुर्गे उठाकर वे मरे हुए बाहर गिर देते हैं और उसे कुत्ते इंगांगे उठाते हैं और कुत्ते उसे खाते हैं, और कुत्ते खाने उनके जो मुर्गों को खाते हैं उन्हें खाकर हिंसक हो गए हैं। आदमियों पर भी हमला करते हैं, उस पर मक्खी बैठती है मरे हुए पे और बीमारी फैल रही बहुत तकड़ी बीमारी, प्रदूषण, बदबू, बिल्कुल रोड पर भी नहीं निकला जाता। और यहाँ सत्संग पर सत्संग करने में भी बहुत दिक्कत होती है। क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि यहाँ इसके 500 मीटर तक सत्संग के पास में या आबादी के पास में मंदिर के या मस्जिद भी हो, उसके पास में भी 500 मीटर तक हमने जियो मंगाया कि कोई भी मांस का अंडा या कोई भी ऐसे वो नहीं खुल सकता कोई भी फार्म, और ये 20 मीटर है। तो हम चाहते हैं कि ये मुर्गी फार्म और अंडा फार्म तुरंत बंद हो। बंद होना क्या इसकी शिकायत आप लोगों ने? हमने इसकी शिकायत SDM साहब से कर दी और 8 दिन पहले भी करी थी, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। अब 2 दिन से यहाँ पर सत्संगी और हमारे शिव सैनिक धरने पर बैठे हैं और कल को हमने महापंचायत का ऐलान कर दिया। अगर आज कोई निर्णय नहीं निकलता तो कल को पूरे क्षेत्र के सब आदमी, औरतें सब यहाँ पे इकट्ठी होंगी और महापंचायत होगी। उस महापंचायत में अगली रणनीति बनाई जाएगी कि क्या हो।